Hello everyone, I am Shweta Amri Sharma from KMS Fashion. So today we are here with our new topic, or we can say next topic, that is Egyptian costumes as well as Greek costumes for class 12th fashion studies home science. ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ फैशन के बाद के दो कंसेप्ट्स हैं, जो दो टॉपिक्स हैं, चाहे तो वो आपका ईस्ट एशियन कॉस्ट्यूम्स हो या फिर आपका ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम्स हो, वो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो कॉन्टैक्ट है, जो लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ एनीवन वांट दीज पीपीटीज, तो ऐसे वाले भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं, तो आप लोगों की जो एनसीईआरटी है, जिसकी आपको वर्डिंग्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, अगर अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी को ही पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। वही लैंग्वेज है, सब कुछ वही है, सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्टली इजिप्शियन कॉस्ट्यूम्स। इजिप्शियन इजिप्ट से हमें क्या याद आता है? पिरामिड, ममीज, तो उसी चीज़ को हमें माइंड में रखना है। और उसके साथ जो ये इजिप्शियन होते हैं, ममीज़ को या फिर आप इजिप्ट वालों को, अगर आपने कहीं पर कोई वीडियोस देखी है, कोई मूवीज़ देखी है, द ममी मूवी बहुत फेमस हुई थी, वहाँ से अगर थोड़े बहुत आपके कंसेप्ट्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इजिप्शियन कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं, द इट कवर द लोअर बॉडी लीविंग पार्ट्स ऑफ द अपर बॉडी बेयर। उनकी जो ऊपर की बॉडी होती है उसके ऊपर वो ढकते नहीं हैं, उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं विदाउट कपड़ा ढके हुए, लेकिन वो लोअर बॉडी होती है उसको फुली कवर करते हैं। विच कुड बी कवर्ड बाय अ केप, ऊपर से कैसे कवर्ड करते हैं? दैट कुड बी ट्विस्टेड, ड्रेप्ड एंड नॉटेड इन फ्रंट। अब देखिए, जो वो अपने लोअर बॉडी को कवर करते हैं उसको वो किस चीज़ से, या तो वो ड्रेप करते हैं, या तो वो ट्विस्ट करते हैं, या फिर वो गांठ लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ड्रेप्ड और प्लीटेड, ये दो फॉर्म्स रहती हैं, मतलब स्टिचिंग कहीं नहीं आई, स्टिचिंग कहीं भी नहीं आई। क्या चीज़ आई है? ड्रेपिंग। ड्रेपिंग क्या चीज़ होती है? जब आप कपड़े को ड्रेप, जैसे आप दुपट्टे को ड्रेप करते हो ना 3D फॉर्म में, है ना, दुपट्टा आपका एज इट इज़ ड्रेप हो जाता है, उसको आपको कहीं पर भी स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ पर्टिकुलर ड्रेपिंग। जब आप किसी भी चीज़ को एज इट इज़ ओढ़ लेते हो, गांठ लगा देते हो, है ना। सो वुमेन ऑल्सो वॉर अ शीट लाइक ट्यूनिक कॉल्ड कालासरीज। सो जो वुमेंस होती हैं इजिप्ट की, वो भी एक शीट लाइक ट्यूनिक को पहनती हैं, जिसका पर्टिकुलर नाम क्या है? कालासरीज। बेसिक गारमेंट जो मेन के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? शेंती, विच वॉज अ सिंगल स्ट्राइप ऑफ लिनन रैप्ड अराउंड द हिप्स। तो अभी हमने पढ़ा कि वो लोअर बॉडी को यूज़ करते हैं, लोअर बॉडी को कवर करते हैं। सो जो मेल के गारमेंट्स होते हैं उनका नाम होता है शेंती, एंड जो वुमेंस का होता है दैट इज़ कालासरीज। द पेरोहास सेंटीज वर मच फाइनर एंड प्लीटेड। सो मतलब ये एक पर्टिकुलर तरह की, एक तरह की वी कैन से फाइन क्वालिटी, क्वालिटी वाइज होता है ना, कोई चीज़ अच्छी क्वालिटी की होती है, कोई चीज़ थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी की, वर्स्ट क्वालिटी की होती है, तो जो परोहास शेंती होता है वो सबसे फाइन होती है और वो अच्छे से प्लीट करके पहनी जाती है। नाउ हेयर यू कैन सी कि ये हमारा कौन सा हो गया? वुमेन का, ठीक है, दैट इज़ कालासरीज। एंड ये हमारा किसका हो गया? पर्टिकुलरली मेंस का, जो कि हमारा क्या चीज़ है? सेंटी। नेक्स्ट, मेल रॉयलिटी ऑल्सो ड्रेप्ड अ लार्ज ट्रांसपेरेंट मटीरियल अराउंड द बॉडी नॉटेड एट द वेस्ट क्रिएटेड एलोबरेट फॉर्म्स एट द हिप कॉल्ड हेक। वो क्या करते हैं? हेक नाम से है, अपने वेस्ट पे बांध लेते हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल को रॉयलिटी के लिए। When the shawl was not draped but merely placed flat on the shoulder, और उनकी जो shawl होती है वो just shoulder पे गिरी हुई होती है, उसको वो कहीं पर भी tie नहीं करते हैं। ये एक ritual garment है उनका, जिसको वो अपने arms पे cover करते हैं, but left the hands bare, लेकिन उनके जो हाथ होते हैं वो दोबारा से उस पर कोई कवरिंग नहीं होती, सिर्फ शोल्डर पे उन्होंने एज इट इज़ उसको गिराया हुआ होता है।
क्वीन वेयर द काला सरीज. सो क्वीन क्या वेयर करती है? काला सरीज को वेयर करती है. सो ये पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में है? हमारे इजिप्शियन कॉस्ट्यूम्स के बारे में है. नेक्स्ट वी हैव ग्रीक कॉस्ट्यूम. अब ग्रीक कॉस्ट्यूम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंशियंट ग्रीक जो कॉस्ट्यूम्स है ये भी ट्रेडिशनली ड्रेप्ड होते थे. देखिए इसके लिए आपको ड्रेपिंग पता होनी चाहिए, तो पहले अपने ड्रेपिंग का कंसेप्ट क्लियर करिएगा कि ड्रेप चीज़ हमारी स्टिच करने की नीड नहीं होती, हम उसको एज इट इज़ भी वेयर कर लेते हैं. लेकिन उसको कहीं ना कहीं से चाहे प्लीट्स करो चाहे नॉट करो, ठीक है, या कहीं से बांधो, वो सब की ज़रूरत होती है. सो द ड्रेप स्टाइल वर करेक्टराइज्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ लार्ज पीस ऑफ रेक्टेंगल. मतलब क्या है भाई, ड्रेप भी तो किसी कपड़े को तो करेंगे ना, तो बड़े बड़े पीस होते हैं उनके रेक्टेंगल के, उन रेक्टेंगल को या फिर ओवल या क्रिस्टन शेप के फैब्रिक को वो क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं और प्लीट करते हैं, पिन करते हैं या फिर बेल्ट बांध लेते हैं अलग अलग तरीकों से. और फैब्रिक जितना भी होता है उस सब को वो क्या कर देते हैं, प्लीट्स कर देते हैं. वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते थोड़े से भी कपड़े को. और अगर वो, एक और चीज़ है अगर हम यहीं पर देख लेते हैं, अगर वो बेल्ट ना लगाए तो उनका लूज लगेगा वो गारमेंट. कैसा लगेगा? बिल्कुल नाइट में पहनने का लूज गारमेंट वो प्रतीत होगा. जो ग्रीक के कॉस्ट्यूम्स हैं, क्लासिकली ग्रीक कॉस्ट्यूम्स, वो दो प्रिंसिपल्स पे, दो सिद्धांत पे काम करते हैं. सबसे पहला, द फर्स्ट वॉज दैट अ यूनिसेक्स रेक्टेंगुलर पीस, यूनिसेक्स मीन्स अ मेल कुड वियर एज वेल एज अ वूमेन कुड वियर, तो दोनों लोग उसको पहन सकते हैं. रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ वोवन इन वेरिंग साइज, अलग अलग साइज में उसको वोवन किया जाता है, मतलब वीव किया जाता है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि वॉप और वेफ्ट का हमारा वीविंग होता है. और वॉज द बेसिक ऑफ ऑल ड्रेप स्टाइल बी इट अ ट्यूनिक और अ क्लॉक, तो या तो उसको ट्यूनिक या फिर एक किस्म से अंगरखा टाइप होता है, ठीक है, वो उसका बन जाता है. तो ये दोनों के दोनों चीज़ें कोई भी पहन सकता है, चाहे तो वो कौन हो, चाहे तो वो मेल हो या फिर एक फीमेल हो, तो एक किस्म का कवरिंग बन जाता है, वो आउटर कवर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है. सेकंड वाज दैट दिस क्लोथ वाज ऑलवेज ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी अकॉर्डिंग टू सर्टेन नॉर्म्स बट नॉट कट और शेप्ड. वो कट नहीं करते ना उसको किसी भी शेप में डालते, ये नॉर्म है उसका, मतलब रूल्स हैं उनके, रेगुलेशंस हैं उनकी, ठीक है. ये दो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ग्रीक के कॉस्ट्यूम्स रिलाय करते हैं. देयर वॉज वास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रेप्स दैट कुड अराइज आउट ऑफ दैट ट्रायंगुलर फैब्रिक. भाई बहुत तरह के वो ट्रायंगुलर फैब्रिक से अलग अलग ड्रेपिंग स्टाइल्स बना सकते हैं. जैसे आप लोगों ने कुछ एक मॉन्यूमेंट्स पे, कुछ एक टेम्पल्स पे अलग अलग तरह से ओढ़े हुए कपड़ा देखा होगा आर्किटेक्चर ड्रेपिंग का, तो उसी तरीके से वो लोग भी पूरी क्रिएटिविटी, पूरी इनोवेशन के साथ उन कपड़ों को अलग अलग तरह से पहनते थे. सो हेयर यू कैन सी दैट इज पेपलस, शितॉन एंड हिमिटेशन. अब ये देखते हैं कौन कौन लोग इसको पहनते हैं. बेसिक जो क्राइटेरिया है, बेसिक ड्रेसिंग स्टाइल है, आप इमेजिन इस इन विजुअली इनको देख के अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको लिख भी सकते हैं. सो ग्रीक कॉस्ट्यूम्स फॉर मेन, मेन के लिए मेन क्या है उनका, शितॉन. So the basic costume was the chiton, a rectangle of cloth, usually wool. Wool का rectangle cloth बना हुआ होता है. अब कहेंगे कि rectangular ये देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन उसको shoulder से वो tie कर देते हैं और वो एक किस्म से fastened मतलब क्या हुआ, बंधा हुआ, ठीक है. अब जैसे आपके fasteners क्या होते हैं, मैं यहाँ पर एक और concept आपका clear कर दूँ. फास्टनर्स आपके अगर कोई पूछे तो क्या होता है, आपका हुक, आपके बटन, आपके जिपर्स, ये सब गाइज आपके फास्टनर्स होते हैं. तो फास्टनर्ड मतलब क्या हुआ कि वो बांध देते हैं, ट्यूनिक की फॉर्म दे देते हैं. एंड लेफ्ट शुड लीव द राइट आर्म फ्री और बोथ शोल्डर्स, या तो वो राइट आर्म को सिर्फ फ्री रखते हैं या फिर दोनों शोल्डर्स को फ्री रखते हैं, मतलब कपड़ा उस पर नहीं आने देते.
इट कुड बी वॉर्न विद वन और टू बेल्ट, साथ के साथ या तो वो एक बेल्ट को या दो बेल्ट्स को किसी भी तरह अपनी वेस्ट पे टाई करते हैं विदाउट अ बेल्ट। ये कैसा लगता है, एक किस्म से लूज गारमेंट, नाइट गारमेंट की तरह काम करता है। जैसे ही वो बेल्ट हटा देंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से पूरा का पूरा लूज आउटफिट बन जाएगा इनका। नेक्स्ट वी हैव हिमिटेशन, दैट इज पर्टिकुलर दिस गारमेंट। सो एक और मेल गारमेंट है जो एक एनवलपिंग क्लॉथ की तरह है, मतलब एक लॉन्ग आउटर गारमेंट है जिसको शोल्डर को कवर करते हैं एक किस्म से बैक से, और यहीं पर ही अगर ये इसी कपड़े का हुड भी बनाना चाहे तो हुड भी बना सकता है, एक चोगे की तरह होता है। सो चोगा वर्ड आपने सुना होगा, हैरी पॉटर अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें बोलते हैं ना वो जादुई चोगा, जो उसको अदृश्य चोगा बोलते हैं, तो वो उसको हुड की तरह भी पहन लेता था। तो यहाँ पर भी ये एक चोगा है, चोगे की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6x9 फुट का ये पीस होता है ऑफ क्लोथ अराउंड द बॉडी विदाउट फिक्स्ड फास्टनर्स, कोई भी फास्टनर्स इस पे यूज़ नहीं होता। इट कुड बी वॉर्न अलोन अलग, खाली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसने कर रखा है बॉडी पूरी इसकी बेयर है, बेयरिंग द राइट आर्म, देखिए राइट आर्म उसकी बेयर है, मतलब कोई कपड़ा नहीं है, शोल्डर पे भी नहीं है और ना ही अपर चेस्ट के ऊपर है। इट कुड ऑल्सो रैप द वियरर अप टू द चिन कवरिंग द आर्म एंड द हेड। सो अगेन जैसा मैंने बताया, चोगे की तरह ये अपने सिर को, अपनी आर्म्स को और अपने हेड को और अपनी चिन तक, यहाँ तक कवर कर सकते हैं इफ दे वॉन्ट टू। इट कुड बी यूज एज अ ब्लैंकेट एट नाइट, रात को ये ब्लैंकेट की तरह यूज किया जाता है। सो इसीलिए ये 6x9 फुट का यूज करते हैं फैब्रिक को। देन हेयर वी हैव वुमेन्स के लिए ग्रीक कॉस्ट्यूम्स फॉर वुमेन। सो ऑल ग्रीक वुमेन वोर द पेप्लॉस विच वॉज एसेंशियली अ रेक्टेंगुलर शॉल विद अ फिब्यूला और ब्रोच डेकोरेशन पिन ऑन द शोल्डर। सो यहाँ पर आपने ना ग्रीक कोई भी अगर प्ले देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर वो ब्रोच, किसी भी तरह का कोई डेकोरेटिव ब्रोच या कैसे भी, शोल्डर के ऊपर क्या कर देते हैं, पिन कर देते हैं और दूसरी तरफ से कैसे रहता है, ओपन रहता है। This open peplos was usually not belted. यहाँ पर देख सकते हो आप, ये belted ही नहीं है, belt कहीं नहीं लगी हुई है, ठीक है। And Greek women wore the closed peplos by wearing the two free edge of the fabric together. भाई दो fabrics को आपस में पकड़ के और सारे को अपने ऊपर wrap कर लिया जाता है, ये कहलाता है woman costume, that is peplos. सो गाइज होपफुली आपको ये वाला कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगेन आई एम सेइंग अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ सके। एंड अगर किसी को भी ये क्वेरी है कि उनको ये नोट्स लेने हैं, तो ट्रस्ट मी वीडियो देखिए, देन जस्ट गो टू योर NCERT बुक, और अगर आप अब उस बुक को, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। सो टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम, कीप लर्निंग, बाय बाय।